अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन अर्णब के जो वकील है, वरिष्ठ वकील हरीश सालवे, उनका एक पॉइंट था कि अर्णब की गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है, क्योंकि जब केस की क्लोजर फाइल सबमिट कर दी गई तो ऐसे में जब केस ही क्लोज हो चुका है तो कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, और ये गिरफ्तारी इलीगल है। अब आज जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब की जमानत याचिका खारिज की तो इस मुद्दे पर भी बात उठी, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस एस एस शिंदे और एम एस कार्निक, उन्होंने कहा कि ये जो तर्क है जो अर्णब गोस्वामी के लॉयर ने उठाया है, हरीश सालवे और अबाद पौंडा ने, कि पुलिस जो है गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी और पुलिस का एक्शन जो है वो इल्लीगल है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम इल्लीगल नहीं कह सकते हैं, कैन नॉट बी टर्म एज इल्लीगल एंड विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने इस बात को जो है नकार दिया, और उन्होंने कहा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है कि मुंबई पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं है, विक्टिम के जो राइट्स होते हैं उनका भी तो ध्यान रखना होता है। उन्होंने आगे कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको रेफर करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा, द लॉ डज नॉट मैंडेट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जो लॉ है वो इस तरह का कोई मैंडेट नहीं खड़ा करता है कि आपको किसी की इंक्वायरी के लिए पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक चार्जशीट भी अगर दाखिल हो तो भी उसकी जांच करना पुलिस का काम होता है। तो इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के जो वो तर्क था कि अगर केस पूरा का पूरा क्लोज हो चुका था, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, तो फिर से केस खोलने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी चाहिए थी, इसीलिए अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी इल्लीगल है, इस बात को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि इस पूरी गिरफ्तारी को इल्लीगल जो है नहीं कहा जा सकता है।